फिर से माता सावित्री किचन में। फ्रेंड्स आपको पता है मार्केट में बहुत सारे पपीता आया हुआ है, और फ्रेंड्स पपीता हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए खासकर, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, और इन भी इसमें एंटी एजिंग क्वालिटी भी होती है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही बेटर है, पपीता हर किसी को खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं पपीते की स्मूदी बना के बता रही हूँ आपको, पपीता सेक बोल लीजिए या फिर पपीता स्मूदी बोल लीजिए, कोई भी बोल लीजिए। देखिए पपीता सेक बनाने के लिए मैंने पपीता ले लिया है, एक कप के करीब है, आइस क्यूब्स ले लिए हैं, शुगर ले लिया है और दूध ले लिया है। फ्रेंड्स अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लेंडर ले लिया है मैंने, ब्लेंडर में फ्रेंड्स ये पपीता के क्यूब्स में डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, इसे आप बनाइएगा जरूर घर में। ये देखिए चीनी ऐड कर दिया मैंने। फ्रेंड्स शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जैसा आपको मीठा पसंद होगा उस हिसाब से। ये देखिए मैंने एक ग्लास दूध लिया है, दूध ऐड कर दे रहे हैं हम, और फ्रेंड्स आइस क्यूब्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पपीता से बना लिया है, ये ब्लेंड कर लिया मैंने अच्छे से, अब इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं फ्रेंड्स, इसको सर्व करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कोई सा भी ग्लास ले लीजिए आप, अब उसमें इसको ऐड कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मेरा पपीता स्मूदी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पपीता की स्मूदी बन गई है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है फ्रेंड्स, और इस ये बच्चे बूढ़े हर किसी को पसंद आएगी फ्रेंड्स। इसे बना के सबके साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्वस्थ रहें और मस्त रहें।